सो आज का टॉपिक है अबाउट स्मॉथरिंग। ये जो पिक्चर आप देखता है, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेजेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर किसी को मारने के लिए जो भी प्रोसीजर करते हैं उसको स्मॉथरिंग बोलते हैं। ज़्यादातर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है, क्योंकि किसी का गला दबाना या फिर ऊपर कुछ सॉफ्ट टिश्यू या फिर प्लास्टिक बैग वगैरह डाल के एक्सटर्नल एयर पैसेजेस को एयर ना लेने की अवस्था में रखने को ज़्यादातर स्मॉथरिंग बोल देते हैं। इनका एग्जाम्पल ज़्यादातर नोज एंड माउथ वगैरह हैंड से या फिर क्लॉथ से, कोई भी प्लास्टिक बैग से हम कवर करते हैं तो वो ज़्यादातर स्मॉथरिंग बन जाते हैं। इसमें तरीके होते हैं कि होमिसाइडल स्मॉथरिंग बहुत कॉमन होते हैं, सुइसाइडल स्मॉथरिंग बहुत ही रेयर होते हैं। सुइसाइडल स्मॉथरिंग, होमिसाइडल स्मॉथरिंग में क्या होता है कि एब्रेशंस, ब्रॉइसिस वगैरह होते हैं नोज रीजन में, माउथ रीजन में वगैरह, क्योंकि वो जो भी चीज़ेस हो हम रेसिस्ट कर देते हैं या फिर वो चीज़ का इंप्रेशन ज़्यादातर नोज एरिया में और माउथ एरिया में होते हैं। अगर कुछ सॉफ्ट मटेरियल मतलब क्लॉथ या फिर पिल्लो वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर इंप्रेशंस नहीं होते हैं, वो सब पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में देखने वाली चीज़ होते हैं। तो फिर इसमें ज़्यादातर मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्मॉथरिंग ज़्यादातर एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, कभी कभी एपिलेप्टिक लोगों में, ड्रंक पीपल में, या फिर ड्रिंक करके उसके बाद स्विमिंग करने में वगैरह स्मॉथरिंग टेक्निक्स स्मॉथरिंग बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो फिर एक्सीडेंटल स्मॉथरिंग भी कभी कभी बेबीज में हो जाते हैं, इन्फेंटाइल क्रैडल सिंड्रोम वगैरह, पिच पहले हमने देखा है कि बच्चों को ऐसे क्रैडल में रखते हैं और बाद में वो कपड़ा वगैरह उसके ऊपर गिर जाता है तो वो सांस नहीं ले सकते, इसकी वजह से एक्सटर्नल एयर पैसेजेस की ब्लॉक वजह से बहुत सारे क्रैडल डेथ वगैरह बहुत कॉमन होते हैं। या फिर मदर के बीच में रात में सोने के टाइम में अगर माँ अपनी बच्चे के ऊपर आ गया तो उसकी वजह से भी स्मॉथरिंग हो जाते हैं, या फिर बेड शेयरिंग के टाइम में भी स्मॉथरिंग इन डीप स्लीट ऑफ स्लीप में भी हो सकते हैं। होमिसाइडल स्मॉथरिंग में क्या होता है कि माउथ एंड नॉस्ट्रल्स वगैरह को हैंड से या फिर क्लॉथ से या फिर पिल्लो से या फिर कुछ प्लास्टिक बैग से क्लोज कर लेते हैं, इससे होमिसाइडल स्मॉथरिंग हो जाते हैं। सुइसाइडल स्मॉथरिंग क्या होता है कि अपने खुद के हाथ से या फिर खुद की कुछ सॉफ्ट पिल्लो वगैरह लेके खुद का गला वगैरह दबाते हैं तो वो सुइसाइडल स्मॉथरिंग वगैरह है। पर ये बहुत कॉमन मतलब अनकॉमन होता है, मतलब ये करने के लिए बहुत सारे ताकत या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट वगैरह चाहिए, इसलिए सुइसाइडल स्मॉथरिंग वगैरह बहुत ही अनकॉमन है या फिर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक बैग वगैरह सुइसाइडल पर्पज़ के लिए यूज़ सकते हैं, अपने खुद को प्लास्टिक बैग में दबा के ऐसे रखते हैं तो वो सुइसाइडल हो जाता है। तो फिर ये कभी कभी बच्चे खेलते हैं तो उसमें भी कभी कभी एक्सीडेंटल स्मॉथरिंग हो जाते हैं, प्लास्टिक बैग के अंदर खेलते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, उसकी वजह से भी डेथ हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स वगैरह मतलब ग्लू स्टिफिंग या फिर कुछ एडिक्टिक सी वजह से भी ये हो जाते हैं, वो इंटॉक्सिकेंट वेपर वगैरह उसको इनहेल करते हैं उसके टाइम से भी वो प्लास्टिक बैग के अंदर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंटल स्मॉथरिंग हो जाते हैं। ये सब होमिसाइडल स्मॉथरिंग का पिक्चर्स हो जाते हैं, जैसे कुछ सॉफ्ट पिल्लो वगैरह कोई भी दबा के ऐसे रखते हैं तो ये सब ऐसा होमिसाइडल चांसेस दिखते हैं। उसमें ज़्यादातर ब्रूइसेस या फिर नेल मार्किंग्स या फिर कैडावरिक स्पैसम वगैरह दिख जाते हैं। इसमें कैडावरिक स्पैसम में क्या होता है कि जो भी गला दबाते हैं उसका बटन पीस या फिर हेयर पीसेस वगैरह वो विक्टिम का हाथ में आ जाते हैं। और फिर ये स्मॉथरिंग जो भी है एक एस्फिक्सियल टेक्निक्स होता है, मैकेनिकल एक्सक्लूशन वगैरह एक्सटर्नल एयर पैसेजेस वगैरह को रिमूव करने वाले होते हैं। इसमें ज़्यादातर एयर पैसेजेस को ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो डेथ हो जाते हैं, इसमें माउथ नॉस्ट्रल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में क्या होता है कि पेल एरिया जो होते हैं माउथ एरिया या फिर नोज एरिया में हो सर्कम नेसल पैलर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर ऑफ द सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हो हम प्रेशर लगाते हैं उसकी वजह से ज़्यादातर नोज रीजन और माउथ रीजन ही इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसकी वजह से वो एरिया नोज एंड माउथ रीजन में पैलर हो जाते हैं। और फिर अगर ऐसे नोज दबा के ही हम थोड़ी देर रखते हैं तो एक्सटर्नल एयर पैसेजेस वगैरह ओक्लूड हो जाते हैं, सीवियर डेथ यानी कि इन अर्ली डेथ वगैरह हो जाते हैं, बच्चों के बीच में ऐसे खेलते हैं तो अर्ली डेथ वगैरह इसमें हो जाते हैं।